वेलकम बैक टू माई चैनल आज इस वीडियो अडियोच मास्टर कैडर इंग्लिश बैकलॉग द प्रीवियस पेपर डिस्कस कर जा रहे हाँ सो लैट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज वट फिगर ऑफ स्पीच इज फ्रेज बैड ऑफ रोजेज इन दिस सेंटेंस जिंदगी फुला सेज नहीं है इस लाइन में फ्रेज यूज होया है बैड ऑफ रोजेज रोजिज तह फिगर ऑफ स्पीच है द राइट आंसर इज ਮੈਟਾਫਰ ਸੋ ਮੈਟਾਫਰ ਕੀ ਹੈ ਅ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕੰਪੇਰਿੰਗ ਟੂ ਅਨਲਾਈਕ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਕ অর ਐਸ ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਕ অর ਐਸ ਲਾਈਕ অর ਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ देयर चीक्स वर रोजेस ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਦਾ चिक्स और रोजेज़ का बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज बिना यूज़ कित्या लाइक और एज ए नहीं लगा हुआ तो यह की अपना मैटाफर है डेयर चिक्स वर लाइक रोजिज हूँ इस लगा हुआ लाइक तो यह की है सिमली है सो सिमली और मैटाफर का डिफरेंस कुछ लग एग्जाम्पल्स देखते हाँ माइक इज़ लाइक अ टेडिबियर माइक इज एज सॉफ्ट एज अ टेडिबियर हूँ फस्ट सेंटेंस में लाइक यूज होया है और सैकेंड में एज यूज़ होया है एंड थर्ड सेंटेंस है माई कीजा टेडबियर हूँ ये ना ही एज यूज़ किया है ना ही लाइक यूज़ किया है तो सिंपल टू थिंगज़ का कंपेरिजन किया हो तो की है मैटाफर है सो so, यही डिफरेंस है सिमली और मैटाफर के तो यहाँ डिफरेंस क्लीयर होना चाहिए है क्योंकि कई बार एग्जामीनार पेपर डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं तो अगर उदआउट यूजिंग लाइक और एज पूछा जा रहा है तो तुम मैटाफरते टिक करोगे अगर लिखा है विद द यूज़ ऑफ लाइक ऑर एज़ तीन सिमली पर टिक करोंगे आई होप इट्स क्लीयर द नैक्सट क्वेश्चन वट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड वेन अ पार्ट रिप्रजेंट द होल ओ फिगर ऑफ स्पीच में आपे जिथे एक पार्ट पूरे नीप्रजेंट कर रहा है ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿਨਕ ਡਕੀ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਨਕ ਡਕੀ ਸਿਨਕ ਡਕੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਦਾ ਹੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਰ ਮਾਊਥਸ ਟੂ ਫੀਡ ਐਟ ਹੋਮ ਮਾਊਥ ਮਾਊਥ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵੀਲਸ व्हील्स हूँ व्हील्स इतने एक पार्ट है बट ये रिप्रजेंट कि कर रहा है न्यू कार न मतलब द होल थिंग रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, सिंक डकी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द लिटरेरी टर्म फॉर अक्रेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एजसेंट वर्ड्स सो द राइट आंसर इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन की है हैविंग द सेम साउंडट द बिगनिंग जो दो एक सेम साउंड हर एक वर्ड के स्टार्टिंग होंगी है और रैपीटेन होंगी है तो उसू आप एलीटेन कहने एलीट्रेस ओनली अकरस वैन कॉन्सोनेंट साउंडस ओनली कॉन्सोनेंट साउंड नॉट वॉल साउंडस ओनली कॉन्सोनेंट साउंड आर रपीट इन वर्ड्स क्लोज टू ईच अदर जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटड होंड्स केपीटिंग होंपीटेन होंगी है तो उसू आप कहने एलीटरेशन कहें For example, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Now, the repeating sound P creates alliteration. The next question What is a comic, sterical exaggeration of certain striking characteristics of a person called? The right answer is caricature. Caricature ki A depiction of a person in which certain striking characteristics are exaggerated. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमिक अफेक्ट जदों एक डिपिक्शन की जाती है परसन की जिदेज कुछ करैक्टरिस्टिक्स न बहुत बधा चढ़ा के एक कॉमिक अफैक्ट देता जाता है तो उसू की बोलते हैं कैरीकेचर बोलते हैं एंड द लैमपोन इज अ रिटर्न अटैक रिडिकूलिंग अ परसन ग्रुप और इंस्टीट्यूशन और लैमपोन जो है वो एक रिटर्न अटैक है जिससन ग्रुप ऑर इंस्टीट्यूशन का मखौल बनाया जाता है नैक्सट क्वेश्चन वट डज़ टर्म पथैटिक फैलसी मीन द राइट आंसर इज असाइनिंग ह्यूमन इमोशनस टू इन एनीमेट वर्ल्ड पैथैटिक फैलसी एक मानवीकरण अलंकार है जिस नर्जीव चीजा के अंदर भावनावान दिखाया जाता है जो सिर्फ इंसान के अंदर ही होंदिया हैं जिड़िया क्रियावान सिर्फ इंसान ही कर सकता है द टर्म पैथैटिक फैलसी वॉज क्वाइंड बाय अ ब्रिटिश राइटर नेम्ड जॉन रसकिन हु डिफाइन इट एज इमोशनल फॉल्सनैस द नैक्स क्वेश्चन Which of the following is not true of epic genre narrative mode long sequence of events stage presentation supernatural elements the right answer is stage presentation the stage presentation is not true of epic genre the next question according to the phrase structure rules john in the sentence john hit the ball is represented as noun phrase जॉन हिट द बॉल ये जॉन जो है नाउन फ्रेस है एंड हिट द बॉल इज अ वर्ब फ्रेस नैक्सट क्वेश्चन वट ऑफ द फॉलिंग इज ट्रू अबाउट द सोशल लिंग्वस्टिक द रट आंसर इज डील विद द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन लैंगुएज यूज सो सोशल लिंग्वस्टिक है सोशल लिंगुस्टिक इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द इफैक्ट ऑफ ऑल एसपैक्ट्स ऑफ सोसायटी मतलब सोसायटी के जो सारे एसपैक्ट्स नेफेक्ट ऑन द वे लैगुएज इज यूज मतलब किस तरीके लैंगुएज यूज़ किया जा रहा है एंड सोसायी इज इफेक्ट ऑन लैंगुएज मतलब सोसायटी का जोड़ा इफैक्ट है लैंगुएज तेमें पै रहा है क्योंकि जो लोग लैंगुएजन यूज करते हैं डिफरेंट सोशल सिचुएशन के उदो जो इफैक्ट है वह लैंगुएज ते कि पै रहा है वोदाल डील कर रहा है सोशल लंगगुस्टिक बट ती फस्ट ऑप्शन लैके कन्फ्यूज़ नहीं होना फस्ट ऑप्शन की है डील्स विद द इफैक्ट ऑफ लैगुएज ऑन सोसाय मीनस लैंगुएज द इफैक्ट सोसायटी की है तो यह जो है सोशोलॉजी के आदि है सोशोलॉजी कदे से फोकस करती है इफैक्ट ऑफ लैगुएज ऑन सोसाय बट आपा की गल कर रहे सोशल लंगगुस्टिक आएगा इफैक्ट ऑफ सुसायटी ऑन लैंगुएज यूज़ पर सोसायटी का इफैक्ट की है लैंगुएज यूज़ के उपर ठीक है ये अपना की होएगा सोशल लेंगुस्टिक नैक्स क्वेश्चन वट इज़ द डायलैक्ट डायलैक्ट की होंगे इसी क्या खेतरी भाषा उप बोली जा स्थानक भाषा तो खेतरी भाषा तो क्लीयर हो ही जाएगा अवराइटी ऑफ लैंग टिपिकल ऑफ वन रीजन रीजन होंगे खेत्र किसी एक खेत्र की कोई टिपीकल लैंगुएज डायलैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ द लैंगुएज दैट इज स्पोकन इन अ परिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और बाय अ पर्टीकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ਅ ਡਾਇਲੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਰੀਆ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ অর ਐਨੀ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

द राइट आंसर इज अ वराइटी ऑफ लैंग यूजड फॉर अ परिकुलर परपज जो लैंगुएज न एक पर्टीकुलर परपज के लिए यूज़ किया जाता है तो वो अपना रजिस्टर होंगे है इन सोशल लिंग्विस्टिक रजिस्टर इज अ वराइटी ऑफ लैंगुएज यूज फॉर पर्टीकुलर परपज और इन अ परिकुलर कम्यूनीकेटिव सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज यूज डिफरेंटली इन डिफरेंट फील्डस लाइक लॉ रिजन सायंस मैडिकल स्पोर्ट्स मतलब इंग्लिश डिफरेंट फील्डस के अलग अलग यूज किया जाता है डॉक्टर की लैंगुएज अलग है सैंटिस्ट की लैंगुएज अलग है तो उसू आप रजिस्ट कहते हाँ वराइटी ऑफ लैंगुएज यूज फॉर अ पर्टीकुलर परपज मीनस एक परपज़ के लिए जोड़ी खास परपज़ के लिए जो लैंगुएज यूज़ की जाती है तो उसू आप रजिस्टर कहने विच इज़ द मोस्ट फ्लैक्सीबल ऑरगन ऑफ स्पीच सॉफ्ट पैलट अकरलिप

अब बाइलेबीयल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग बोथ लिप्स प्रैसड टूगैदर बोथ लिप्स मीनस लोअर लिप और अपर लिप में प्रेस करके जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है तो उसू बायलेबीयल साउंड कहेंदेन दिस प्रोड्यूस थ्री डिफरेंट इंग्लिश साउंड पी बी एम ये थ्री साउंड जो हैं वह बाइलेबियल साउंड हैं और बोथ लिप्स न प्रोड्यूस की जाद रखना है थ्री साउंडस पी बी एम क्योंकि कई बार युद्ध है कि पी और बी और एम केडिया साउंड एम केड़ी साउंड है तो तुम कि कहो बाइलेबियल साउंड है इतने तुम्हें एक हो पॉइंट याद रखना है कि कई बार पेपर एम साउंड भी पूछ लिया जाता है कि एम साउंडी साउंड है तो अगर ऑप्शन के बायलेबीयल ही दिता हुआ है तो तुम्हें बाइलेबीयल टिक कर देना है बट अगर ऑप्शनस के बायलेबीयल भी दिता होया है एक होर ऑप्शन दीती है बैलेबीयल नैसल तोल नैसल ऑप्शन ही टिक करोगे क्योंकि एम साउंड जी नैसल साउंड भी है और बाइलेबीयल भी है अगर दोनों कट्ठे आ गए बाइलेबीयल नैसल तोल नैसल ही टिक करोगे द नैक्सट क्वेश्चन हाउ मैनी डिफ थंगस आर दियर इन इंग्लिश द राइट आंसर इज एट अ डिफ थंग ऑलसो नॉन एज अ ग्लाइडिंग वॉल इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ टू वॉल साउंडस डिफ थोंगस ग्लाइडिंग वॉल भी कहें और यू वॉल साउंड का कॉम्बीनेशन होंगे है तो यह डेफिनेशन भी तुम्हें याद होनी चाहिए है और हाउ मैनी डिफ थोंगस आर दियर इन इंगलिश एट सो इस कुछ होर पॉइंट्स भी याद रखने साउंड फोर्टी फोर कॉन्सोनेंस ट्वेंटी फोर वॉल्स ट्वेंटी Monophthongs 12, diphthongs 8. A questions V paper which puche the tanu sarian di ginti pata honi di hai. sounds, consonants, vowels, monophthongs and diphthongs di. The next question What is the total number of consonant phonemes in English? The right answer is 24. English has 24 consonant sounds. These consonants are voiced and voiceless. So the total number of consonant phonemes in English is 24. So this is the end of the video. Next video you'll see baaki questions we discuss karange and uh, for more updates you can follow us on Telegram. Check the link in the description box. If you find this video helpful like, subscribe and share. Thanks for watching.